देखिए उसमें जैसे बोलता है ना एक 10 आवर्स का एक पीरियड होता है उसका जेस्टेशन का, तो अगर 10 घंटा अंदर कोई नहीं निकलता है और वो कहीं ड्रॉपलेस गिर गया होगा या कहीं रेलिंग में या कहीं गेट में या कहीं नॉब में वो वायरस है, तो अगर उसको हम लोग पूरा 10 घंटा अगर हम कहीं भी ना निकले और अपना घर में रहे, तो वो जो जर्म्स है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो अपने आप मर जाता है। तो उसका द्वारा आई थिंक एवरीवन शुड कोऑपरेट, और कल का दिन में शायद कोई नहीं निकलने से अच्छा है। मेरा 10,000 का ऑर्डर है, तो हमारा जो है वो हम MLA लैट से हम लोग उसको दे रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ क्रूशियल मोमेंट एंड वी कांट टेक एनीथिंग लाइटली। First, we are controlling the epidemic. We are trying to control everyone. At least, ये जो बीमारी है इसको फैलने से हम लोग को रोकना है। Through gams, जो gams हैं बस्ती में, उनका through से each village में हम लोग each and every person को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, सबको हम लोग mask पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से जो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किया है कि कल जनता कर्फ्यू करेंगे, वो बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि जिस तरह से ये COVID-19 जो कोरोना वायरस से फैलता है सारा दुनिया में जैसे फैल रहा है, तो ये जनता कर्फ्यू से होगा क्या? सब लोग अपने अपने घर में रहेंगे, कभी निकलेंगे नहीं, तो जो कनेक्शन है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में, वो टूट जाएगा। कम से कम 14 घंटे के लिए वो कनेक्शन टूट जाएगा, और वो कनेक्शन टूटने से हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और जैसे कि उन्होंने ये भी कहा है कि 5 बजे शाम को कि हम लोग सब अपने हेल्थ वर्कर्स जो है जो क्वाइटली काम कर रहे हैं, अपने जीवन को रिस्क करके, इन्फेक्शन को रिस्क करके वो लोग काम कर रहे हैं, और जो बाकी काम है एयरलाइंस के स्टाफ के, रेलवेज के, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो काम कर रहे हैं, उनके लिए हम आधार व्यक्त करके 5 बजे से 5 मिनट तक हम लोग या ताली बजाए या हम लोग बर्तन बजाए और आवाज़ करें, ताकि उनको भी उत्साह मिले कि वो काम जारी रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जनता कर्फ्यू है उसको हम 100% सपोर्ट करता है। उसका विचारधारा हम सभी के लिए है, इंसानियत के लिए है। वो बहुत बड़ा अच्छा कदम उठा रहा है इस समय के में।